अभी भी रो रहे हो क्या? ये आग बहादुर दिख रहे। मिठाई पकड़ो, मिठाई खाओ। बहुत बहुत मुबारक मेरे बेटे को, मेरी पोती बहुत। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग्स। आ चुके हैं एक्साइटिंग व्लॉग के साथ। तो आप लोग को माशाल्लाह से बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स हम लोग दे रहे हैं, फुल मेहनत कर रहे हैं। सो ये व्लॉग हम लोग को बहुत पहले बनाना था बट नहीं बना पाए कुछ रीज़न की वजह से, क्योंकि कोई मेम्बर्स रहता था इधर, कोई मेम्बर्स नहीं रहता। तो माशाल्लाह से ये बार सब लोग हैं, तो हम लोग सोचे क्यों ना ये बार बना रहे थे। क्योंकि जब हमारी बेटी पैदा हुई थी तब हम लोग के पास इतना टाइम नहीं था कि हम लोग सबको वो सब चीज़ें देते, क्योंकि वो टाइम पर भी कुछ लोग चले गए थे अपने अपने घर पे। सो अभी सब मिले हैं, तो हम लोग को जाहिर करना था हमारी बेटी की खुशी कितनी है। जाहिर तो कर नहीं सकते हैं, वो तो अनलिमिटेड प्यार होता है, बट उसकी खुशी में हम लोग सबको मिठाई बांटना था। सो इसलिए मैंने खास करके आइजल के लिए बनवाए थे, मैंने और दानिश ने केक मतलब बिस्किट बनाए हैं। सो वो हम लोग को बना के दिए है बेक बाय आयशा ने। सो मैं बताती हूँ वो कैसे है। सो फिलहाल अभी दानिश जा रही है उनके घर पर सबको देने के लिए, कि कैसे सबको खुशी से दे दे। तो तैबा दीदी और आसिफ भाई भी आए हैं, और सुफियान और निदा भी इधर है। तो हम लोग सोचे क्यों ना सब फैमिली मेम्बर इधर है तो सबको दे देवे एक साथ ही। तो हम दानिश जाएगी अभी, खुशी से सबको बांटेंगे हम लोग की तरफ से, है ना यो? हाँ ठीक है, फिर वहाँ से आ जाओ, फिर अब्बा मम्मी को दे देते हैं, फिर सुफियान भी आ जाएगा तो सुफियान को भी दे देंगे। ठीक है, तो गाइस मैं आ चुका मिठाई लेके, तो पहले देता हूँ मम्मी को मिठाई। तो ये लो मम्मी, मिठाई पकड़ो, मिठाई खाओ। बहुत बहुत मुबारक मेरे बेटे को, मेरी पोती बहुत मुबारक। हमारे घर पहले वंश आया है भाई लड़की का, लक्ष्मी आया है, लक्ष्मी। तो इसके लिए मैंने आपको दिया आइसल के लिए, ये देखो पिंक कलर का, क्योंकि सबका मालूम पड़े लड़की है, लड़की है सबका मालूम पड़े हुए। थैंक यू, माशाल्लाह पर हमेशा बुलंद रखे, अच्छे रखे, आमीन, और आपको बहुत बहुत तरक्की देवे, आमीन, आमीन। इसी हमारे को पुप्पी पुप्पा बड़ा बा बड़े बा सबको पूरे खानदान को मतलब तरक्की देवे, आमीन 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 आमीन। इसमें दो है, एक तुम्हारा है एक अब्बा का, दोनों मिल बैठ के खाना, अकेले नहीं खा जाना तुम। नहीं एक भी मैं हम लोग आधा है, एक भी तू और नौशीन आधा। नहीं नहीं मेरा और नौशीन का भी अलग से है। नहीं भले ना, हमारे मोहब्बत बढ़ती है ना। नहीं नहीं तुम और अब्बा एक एक खा लेना, समझ में आया? अच्छा ना, तुम अकेले खा जाओगे, अब्बा नहीं खाएगा तो वैसे मेरा अब्बा पतले है। बारी है मेरी बहन को देने की, तो मेरी बहन बिचारी कब से बोली मेरे को मुँह मीठा करा, मेरा मुँह मीठा करा, तो बोला चलो दे देता उसको भी, मम्मी दो दूसरा। सो गाइस ये लो तुम्हारे लिए एक, तुम दोनों के लिए, मतलब तुम्हारे तुम्हारे बच्चे के लिए, ठीक है? आधा आधा खा लो ना, आधा आधा खा लो। तो आइसल एक आई, बाकी मैं तुमको दो दो दे रहा हूँ, दो दो हर एक चीज में, इसमें दो है। हाँ तो क्या हो गया, दो बॉक्स दे, मैं हूँ मेरे तीन है। हाँ फिर मैं हूँ मेरे तीन है, तो दो बॉक्स आना चाहिए। हाँ तो दो बॉक्स आना चाहिए, तूने वैसे ही बोला था इब्राहिम को, तू लेगा आइजल को, मेरे को देगा, ठीक है? तो आइजल को भी मेरे को दे दे। ओ आइजल एक ही घर में लड़की है, उन्हें तुमको दे दूँ, सब चीज तुमको दे दूँ, तो मैं क्या रखूंगा? आइजल को रख रहे ना तू। आइसल तब तक आए भी नहीं थी, अभी आ जाएगी, अभी 10 दिन में आ जाएगी आइसल। तो आइसल को लेकर घुमाएगा ना अस्टेन तू? हाँ इतना घूम वाला उसको घुमा घुमा के घुमा घुमा के उसको घुमा देगा, फिर मिलेगी नहीं बिचारी। चलो अभी बारी है आसिफ भाई भी आ गया, सलाम वालेकुम भाई। तो आसिफ हाँ, ये मुर्गी बच्चा कहाँ से? मम्मी पैर के नीचे आ जाएगा, मरी मर आ जाएगा मम्मी। हाँ ये भी चल, अभी मैं चढ़िया था उसके ऊपर, तो मम्मी अली लेके तो डर लगती है, मेरे को भी डर लगती है। चलो सब डरते हैं। हाँ और आसिफ भाई सलाम वालेकुम, कैसे भाई? खैरियत है आसिफ? भी मुंह मीठे के लिए मैंने लाया हूँ अभी दूसरा डब्बा, तुम्हारा डब्बा आसिफ भाई, तुम्हारा तुम्हारी वाइफ का, दोनों यानी मिल बैठे हैं। लेके जा रहा है और दिखा रहा है इधर, बाप रे। मेरा नाम लिया है तो मेरे लिए ही, दोनों को पहले बहन को नहीं, बहन को नहीं पूछो सारी बात, जीजा को पूछो, जीजा अच्छा रहेगा तो बहन अच्छी रहेगी। ऐसा नहीं होता, जीजा अच्छा रहेगा तो बहन अच्छी रहेगी। अभी तो इज्जत करी घर पे आके मारी, तो तू बहुत स्मार्ट है। क्यों? हाँ, मालूम है ना, छठी में मैं आई नहीं थी, अभी 40 डेज हो जाएगा तभी भी मैं आ नहीं पाऊंगी। अच्छा। तो वहाँ पर कौन जाएगा? ऐसे यहीं देखे खत्म कर दो। खत्म क्या कर दो? मैं बोला तू अभी आई है तो साथ साथ लेके भी जा, मैं दादा मध्या जैसी लड़की हो, मध्या जैसी लड़की हो, तो फाइनली नौशीन की विश पूरी हो गई। और हम लोग भी बहुत खुश है, मेरे यहाँ पे तो घर में मध्या इकरा मध्या पहली लड़की थी, अभी एक घर में भी पहली लड़की आइजल आ रही। वाह वाह वाह, क्या शायरी माती गाइस, कमेंट करो कमेंट करो कमेंट।
हमने भी जैसा हो गया, जैसे आसिफ के घर में पहली लड़की थी इकरा, वैसा तुम लोग के घर में पहली लड़की होगी आयशा। यस ओ गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ घर के एक बड़े भाई के पास, और क्योंकि हम लोग ने इनको मिठाई दी नहीं तो सबको दे चुके, तो ये काम पे आते लास्ट में। तो अस्सलाम वालेकुम, तो तुम्हारे लिए लाया हम लोग ने मुंह मीठा करने के, मुंह मीठा नहीं मतलब मिठाई लाए ले इसके लिए, ये लो पकड़ो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे लोग के लिए। और तुम्हारे कैसा लग रहा है अभी? मालूम पड़ेगा ना। हाँ, मिठाई नहीं आइजल भी तो कैसा लग रहा है तुम्हारे को? ऐसा बोलो, आइजल भी तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, रौनक आ गया, हम लोग की लड़की कम है, लड़के ज्यादा है घर के। अच्छा, लड़की एक ही है? लड़की एक ही है? हाँ, एक ही। गलत बोलते, देखो तीन भाई के एक ही लड़की, नहीं तैबा की लड़की है ना वो, अपने घर में एक ही लड़की है, वो तो है अपने घर के अंदर एक ही लड़की, और डिमांडिंग वाली है। अच्छा, तीन अपने घर में छह लड़के, तीन लड़की टोटल अभी देखने हुए तो। हाँ, बड़ी मम्मी बन के बहुत खुशी मिल गई। खुशी मिली, और उससे ज्यादा मम्मी बन के। हाँ, आइजल कैसी है? आइजल, आइजल तुम ब्लॉग देख रहे हो तो नीचे कमेंट करके जवाब दे देना इनको, मैं अच्छी वैसा करके। तो गाइस, दानिश आ चुके हैं, तो क्या हुआ, दे दिए सबको? सब हो गए खुश? हाँ, सही बात है, हो गए सब खुश। यस, तो चलो अभी अब्बा मम्मी को दे देते हैं, फिर सुफियान अगर सुफियान को दे देंगे। Yes. So guys, देखो ये रिया वो हैम्पर छोटा सी, इट्स अ गर्ल। सो गाइज, इसमें हम लोग पैम्पलेट भी लगाने वाले थे, बट एंड टाइम पे मैंने उनको बोली तो इसके लिए पॉसिबल नहीं हुआ, तो इसके लिए हम लोग ने ये बनाया। तो इसके अंदर खोल के दिखा दो, जब अब्बा मम्मी खाएंगे तो। नहीं, क्यों, हमारा क्यों खोल के दिखाएगी, हमारे पास तो हम लोग खोले। अरे है और भी मम्मी। अच्छा ठीक है, ठीक है। चलो, आप लोगों को आपकी बेटी मुबारक हो, नवासी मुबारक हो। तो कैसा लगा जब, मैं सब में पूछना चाहती हूँ, जब पैदा हुई थी तब तुम लोगों को क्या फील हुआ था? मेरे को तो बहुत खुशी हुई थी, मतलब मेरे को तो ऐसा कह रहा कि मैं हंसू के रोऊंगी क्या, मैं क्या था, क्योंकि तू अंदर थी तो उसका टेंशन था, बच्चा मतलब कब बाहर आएगा, कब देगा। जैसे डॉक्टर लाया ना, मैं तो किसी से बात करी थी, फोन रखे, बच्चा आया, अब बाप टॉयलेट में था। हाँ, ये बेचारा टॉयलेट। मैं बता दू गाइस, जब ऑपरेशन थिएटर में मैं गई ना, तब आइजल बाहर आई ना, तो ये ना भाई साहब ऊपर, इनका डॉक्टर ने लोग से पूछे थे कि डॉक्टर कितना टाइम जाएगा डिलीवरी के लिए, तो उसने बोली, उनने बोला एक घंटा, तो ये बोला चलो मैं जाके जाऊँ टॉयलेट में। तो मम्मी ने 15 मिनट फोन के बीच भागते भागते नीचे आए, किए भी थे तो अपने भागे। क्यों, अच्छा आवाज है तुमको? अच्छा, तुम लोग ऑपरेशन थिएटर में चिल्ला रहे थे सब लोग? बाहर थे हम लोग, चिल्लम चिल्ली कर रहे थे। 5 माले पे ना वो था। अच्छा, नहीं 5 माले पे थे, 6 माले पे ना। अब्बा से तो पूछ ही नहीं सकते, एक्सपीरियंस अब्बा तो आए। जब इसने बोला कि ऑपरेशन रो रहे थे, तो भी कितना रोया, रो रहे थे तुम? सीधा डर गया हमारे। हाँ, ये सब बातें बताए नहीं मेरे को कोई, ऐसी बातें नहीं बताई, ये मेरी बुराई बताई खाली पर। चलो फिर आप बताओ क्या क्या हुआ था। उसके बाद सीधा दरगाह भागा, दरगाह में बैठा, उधर दुआ हुआ किया, फिर उसके बाद फोन आया इसका, ये लड़की वीपी में भागते हुए आया घर पे। अभी क्यों रो रहे हो? सब लोग का वो टाइम पे रोने जैसा था। जो थिएटर में से वो जाते ना अंदर, अब्बा का भी एक्सपीरियंस है। फोन कर रहे थे क्या हुआ क्या हुआ, डॉक्टर ने बोले 1 बजे डिलीवरी हो जाएगी, अल्लाह का शुक्र है, अभी डिलीवरी हो जाएगी, अल्लाह का शुक्र है। जब फोन आ रहा था ये बोले कि अभी 1 घंटे में डिलीवरी हो जाएगी, बाद में एंड टाइम पे डॉक्टर ने 1 बजे का बोली ना, तो फिर अब्बा को फोन किया, अब्बा की आवाज ढीली, मैंने क्या हुआ, तो बोले नहीं कुछ नहीं। और फिर जब बच्चा हुआ फिर उसके बाद खुश खुश, फिर खुश हो गए। नौशीन कैसी है? नौशीन कैसी है? नौशीन अच्छी है। अगर अब्बा वो टाइम पे रहते मैं कांप रही थी, तो ये तो क्या एकदम डर ही जाते है ना, यो उस टाइम सब याद आता है। सही बात है। एक दिन मेरे अब्बा ने बुलाया थे अंकल को, बेटी को हिम्मत दे के, ये बेटी का हाथ पकड़ कर कभी गाइस, प्रेगनेंसी के टाइम पे रमजान का महीना मेरा थर्ड मंथ था रमजान के अंदर, तो मेरे को बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होती थी, तो मेरे को एकदम हार मान गई थी कि अल्लाह मेरे पेट में कुछ जा रहा नहीं। और वो टाइम पे मेरे को मेरे माँ बाप का सपोर्ट ही रहता था, तो मतलब आंटी अंकल भी रहते थे, जब मेरे बिना रोजा खोलते ही नहीं थे, वो लोग मेरे को बुलाते थे, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं कुछ खाऊं पीऊं, जो भी खाती थी जैसे इफ्तारी हो वैसे फट से निकाल दूं मुंह में से। तो अब्बा मम्मी को फोन करके बुलाया कि आओ देखो कैसे कैसा कर रही है, बेचारी रो रही है ये वो। तो अब्बा है तो अब्बा मेरे साथ चालू हो गए रोना, गले लग के रोने कर दिए, हिम्मत लेना चाहिए इसके लिए। अब अंकल तब से बुलाया नहीं अंकल फिर अब्बा को, बोले ये इंसान बेटी के साथ ही रो देता है, बेचारा इसको बुला के क्या करे, है ना,
अभी भी रो रहे हो क्या? ये आंख में आंसू दिख रहे, रो रहे हो, इमोशनल। जान लो बेटी, बेटी को बेटी हो गई तो वो बहुत बड़ी बात है। क्या बात सुनी? क्या एक टाइम मेरा भी आएगा? क्या तुम भी प्रेग्नेंट होगे? अच्छा इसके लिए तुम लोग को लड़कियां लगता है, मेरे को सर वो होता है, इमोशनल होता है तुम लोग को लड़कियों से, कि लड़की चले जाती है ऐसा, वही वही चीज। हर किसी को ऐसे होता है, वही सब लोग को डर यही रहता है कि जब भी पैदा होगी को बस 10-12 दिन बाकी चली जाएगी, हम लोग घूम आएंगे ना। मैं तो उठा के लेके आऊंगा, कीमत बोल तू। अब्बा बोलते हैं कि मैं आइजल को ले लेता हूँ, तेरे को बोलते को कितने पैसे चाहिए। दानी बोलता है ऐसी ले लो। ये क्या बोलता मालूम है? जान दे दूंगा लेकिन पैसा नहीं लूंगा। वो छेड़ते मालूम है अंकल अब्बा के पास इतने पैसे तो है नहीं जो देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। माशाल्लाह बच्ची इधर भी रहेगी उधर भी रहेगी सबके साथ रहेगी। अरे बस करो अभी, कितना रोएंगे? हाँ रहने दो अभी। चलो चलो गाइस, एक को तो खुशखबरी दे दिए, लोग को वहाँ पर भी दे दिए। सुफियान की भाई सुफियान भी आ गया है इधर, सो दे देते हैं सुफियान को भी वो गिफ्ट। सो हम लोगों ने सबके लिए, हमारी बेटी पैदा हुई है तो हम लोग बहुत ज्यादा खुश हुए थे, तो वो चीज के अंदर हम लोगों ने सबके लिए बंटवाया है मिठाई। सो इसके लिए हम लोग दे रहे हैं आपको। एक महीना क्या इतने बिजी थे हम लोग, क्या बता सके। तू नहीं था इधर, मम्मी ये था इधर, ये था, तू भी नहीं था। अरे रे रे रे, इसके बाहर हम लोग बहुत बिजी थे, बैठ के खाली यहाँ पर खेल रही है। इंशाल्लाह चलेंगे। हाँ कैसा फील हुआ? हाँ तो अभी थोड़ी बड़ी हूँ गाइस। तू दो है। हाँ तू दो का दर्जा निभा। थोड़ा बड़ा हूँ तो उसको मैं लेके चला। ये तेरा और नीदा दोनों का, नीदा यहाँ पर नहीं है गाइस, इसके लिए मेरे साथ में दोनों का वहाँ पर दे, तो वहाँ पर जाके नीदा को दे देना, ठीक है? हाँ ये अशोक का चक्रा चार रहे हो। हाँ मिठाई बिस्किट है, ब्राउनी बिस्किट। हम लोग एकदम यूनिक है, पता है मुझे। हाँ बहुत पता है, तेरी शक्ल चलती है यूनिक है तू। सो गाइस की शक्ल की हो गई है, मैं कुछ बोल रही थी ना। हाँ सो यहाँ पर ये रहता नहीं था, और जब पैदा हुई तभी बहुत बिजी थे हम लोग, सब ब्लॉग्स वगैरह जा रहे थे, तो अब भी मौका मिला, ये भी इधर है और तैबा दीदी भी उधर थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक साथ ही सबको दे दे, फिर एक को नहीं देते, फिर वो टाइम ऐसे ही हो गया था ना, इसको देने के लिए खारगर जाना पड़ा था। और अल्लाह कॉन्टेंट के चक्कर देखे क्या क्या बोल रहे, ये पिन लगा हुआ है। कंटेंट के चक्कर में नहीं, हम लोग खुशी थे, मेरे को पहले ही बांटना था, मैंने कुछ और सोची थी कि मेरे को हैम्पर बनाना था सबके लिए, बट इतना टाइम नहीं था तो इसके लिए हमने ये बनवा दी। अच्छा मेरे को बता तू करती है क्या, तेरे पास क्या टाइम? अरे कमी टाइम है मेरे पास, मैं बाहर जा सकती हूँ अब, वो नहीं बनता है, नहीं तो सामान वामान लाने कौन जाएगा, उनको भी सामान देनी, वो भी नहीं जाते मेरे को छोड़ के। को तो मालूम है किधर सामान मिलता है। छोड़ के जाते हो? जाते हैं। वो तो तेरे साथ आए अभी। अभी जाएंगे वो हॉल देखने के लिए। वो तो दानिश के साथ जाएंगे। हाँ तो दानिश के साथ जाने दे सामान तो लेने। मैं अभी वो सोई है तो मेरे को हैम्पर ही चाहिए अभी। हाँ बिस्किट नहीं चाहिए। तेरी तेरी तेरा तेरा बिस्किट लो, मेरे को हैम्पर दो। तेरा बच्चा आएगा फिर दे देंगे तेरे को, तेरे बच्चे को देंगे हम लोग। हाँ पैम्पर ले ले आइजल का। मामा मामा दो देना यो। नहीं मेरे को एक मामी का एक मामा का आइजल के हब्बू वाला पैम्पर भी चिट्टी वाला बिगंडी चिट्टी नहीं है और एक करियो उसमें दे दो। हाँ सही बात है, वॉमिट ही होती तो भी करते, वो चाटेगा तुमको पता है, मैं इसका व्लॉग बनाऊंगी, ये भी कंटेंट है मेरे लिए। चाटो तेरा ही खून है, क्या लूं पैम्पर पैकेट तो ऐसे के हाथ में लेके तो अपने पेन के लेके जाओ नीचे। चल ले 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 ले, लेके जाओ छोड़ तुम लोग, सब लोग आइजल को ही मंगो। थोड़ी बड़ी हो जाए से गोद में उठा के। हां ठीक है, अभी वही रहा देख रहे हैं वो सब गोदू मुंडी ठहरे और उसको लेके निकलो। दे देना याद से नीदा को भी उसमें, क्या दे देना लेके जा चलो। क्या उसके अंदर चार बिस्किट है और एक चगल, देखती ना तू क्या देता है तेरे बच्चे के टाइम पे, दिखाने सब कुछ देगा। अब बोल दिखाने के लिए सब कुछ देगा। गाइस मैं व्लॉग इधर ही एंड कर रही हूँ, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।